तो ये है जीएसटी बेसिक्स टू एडवांस की लेक्चर 5 फॉर बीकॉम। हमने पिछले कुछ वीडियो में बेसिक टू एडवांस की एक सीरीज चलाई है, और पिछले वीडियो में हमने देखा था कि सेक्शन 25 सब सेक्शंस कुछ थे हमारे पास 1 से 10, जिसके हमने कुछ सब सेक्शन कवर किए थे जो हमारे बीकॉम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अब हम आगे हम पढ़ने वाले हैं कि प्रोसीजर अंडर रजिस्ट्रेशन क्या होता है। आप रजिस्ट्रेशन करवाते कैसे हो, सेक्शन 25 हमें ये बताएगा। अच्छा, इसमें हमें एक बात देखने वाली है, इसमें दो तरह के प्रोसीजर्स होते हैं। एक होगा नॉर्मल प्रोसीजर, और एक होगा स्पेशल केसेस में प्रोसीजर। आज हम नॉर्मल प्रोसीजर को कवर करेंगे कि नॉर्मल प्रोसीजर में क्या क्या आते हैं, कि ये किसके लिए है नॉर्मल प्रोसीजर, पहले हमें ये देखना है। तो पहले हमें देखना है कि जितने भी टैक्सेबल पर्सन हैं, ऑल टैक्सेबल पर्सन उनके लिए है। दूसरा, जो वॉलंटरी, जो खुद कह रहे हैं कि हमें रजिस्ट्रेशन चाहिए, चाहे मेरा कितना भी हो टर्नओवर, वो कहता है कि नहीं, मुझे मुझे मजा आता है, मुझे जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना है, तो वो वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन हो गया। तीसरा, कंपोजिशन स्कीम वाला, कंपोजिशन स्कीम छोटे व्यापारियों के लिए होती है, ये हम आगे पढ़ेंगे। फोर्थ, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन भी यहां पे काउंट होते हैं। तो ये चार ऐसी कैटेगरी है जिसके लिए नॉर्मल प्रोसीजर अप्लाई होता है, और इसका हम अब देखने वाले हैं प्रोसीजर क्या है, कि आप कैसे पोर्टल पे जाते हो और कैसे पोर्टल पे काम होता है। तो समझना, आप जैसे ही पोर्टल पे जाते हो तो आपको एक जीएसटी आरईजी रजिस्ट्रेशन 1 फॉर्म भरना होता है। ये फेज 1 का बता रहा हूं आपको। इसमें दो पार्ट होते हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए में आप क्या करते हो, अपना मोबाइल नंबर, अपना पैन कार्ड, अपनी ईमेल को क्या करते हो, वेरीफाई करवाते हो, ठीक है। और एक एप्लीकेशन, आप एक एप्लीकेशन क्या करते हो, इश्यू कर देते हो इस पार्ट ए के अंदर। फिर पोर्टल पे क्या होता है, पोर्टल पे आपको एक प्रॉपर ऑफिसर अपॉइंट होता है जो आपके रजिस्ट्रेशन को क्या करता है, टेक ओवर करता है। तो आपका जैसे आपने एप्लीकेशन भेजी, वेरिफिकेशन के बाद आपकी जो एप्लीकेशन है उसके अगेंस्ट आपको एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर, जिसे आप ERN बोलते हैं, या टेम्पररी रेफरेंस नंबर आपको इश्यू हो जाएगा। और ये आपको इश्यू होगा कौन से फॉर्म में, GST REG 2। ये आपको इश्यू होगा GST REG 02। ये GST REG 02 आपका पार्ट बी में आएगा, वापिस से आएगा, और यहां पे आपको एडिशनल डॉक्यूमेंट्स, आपको GST REG 02 के साथ, GST REG 02 जो फॉर्म है उसके साथ लगा के आपको सेंड करना पड़ेगा, वापस से पोर्टल में देना पड़ेगा। अब यहां पे फेज 1 का कंप्लीशन हो गया है, और अगर हम फेज 2 में देखें कि अब क्या होगा, जैसे ही आपने ये डॉक्यूमेंट्स दे दिए, अब फेज 2 की कहानी शुरू हो गई। अब एक प्रॉपर ऑफिसर क्या करेगा, जो आपने अपॉइंट करवाया था, प्रॉपर ऑफिसर जो आपको पोर्टल ने अपॉइंट किया था,
प्रॉपर ऑफिसर आपके जो ये डॉक्यूमेंट्स लगाए हैं डॉक्यूमेंट्स की करेगा स्क्रूटनी। स्क्रूटनी करेगा, उसको स्क्रूटनाइज करेगा डॉक्यूमेंट्स को और डिसाइड करेगा कि ये जो डॉक्यूमेंट्स है इसके बिहाफ पे इसकी जो एप्लीकेशन है उसको एक्सेप्ट करा जाए या रिजेक्ट किया जाए। इन दोनों के चीज से कुछ हो ही नहीं सकता। अगर एक्सेप्ट कर लेता है डॉक्यूमेंट्स वैलिड निकलते हैं तो जीएसटी आरईजी 06 के अंदर आपको सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन आपको जीएसटी पोर्टल ग्रांट कर देगा। ये इसमें कहा है विद इन थ्री डेज। ये जो आपने एडिशनल डॉक्यूमेंट्स भेजे ये 3 दिन में आपको रिप्लाई आ जाएगा 3 डेज में कि आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट हुई या रिजेक्ट हुई। अगर एक्सेप्ट हो गई तो 3 दिन में आपको जीएसटी आरईजी फॉर्म जीएसटी आरईजी 06 के अंदर आपको सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन 3 दिनों में ग्रांट हो जाएगा। अच्छा जी, अब रिजेक्ट हो गया तो क्या होगा? अच्छा, रिजेक्ट क्यों होगा? शायद आपने कुछ डॉक्यूमेंट्स ना लगाए हो या कुछ क्लैरिफिकेशन की जरूरत हो। तो रिजेक्ट होगा, आपसे वो मांगेगा एडिशनल डॉक्यूमेंट्स। भाई कुछ डॉक्यूमेंट छूट गए हो, या आपसे मांगेगा क्लैरिफिकेशन प्लस या और। क्लैरिफिकेशन मांगेगा, ये कौन से फॉर्म के अंदर मांगेगा? जीएसटी आरईजी 03। विद इन 3 डेज आपको क्या करना पड़ेगा, ये डॉक्यूमेंट्स को क्या करना पड़ेगा, फुलफिल करके वापस से जीएसटी आरईजी 03 में आपको सबमिट करना पड़ेगा। अच्छा जी, अब आपने कहा क्या करा 3 डेज के अंदर अंदर, अब इसकी हमें बात कर रहे हैं। अगर आपने 3 डेज के अंदर अंदर प्रोवाइड कर दिया, इफ प्रोवाइडेड, ठीक है, इफ नॉट प्रोवाइडेड, यही हो सकती है दो चीजें, ठीक है। अगर आपने प्रोवाइड कर दिया फिर क्या होगा, जो आपकी जो आपने एडिशनल डॉक्यूमेंट्स या क्लेरिफिकेशन लगाई है फिर उसकी वापस से स्क्रूटनाइज होगी, वापस से स्क्रूटनाइज होगी। ये जो आपने डॉक्यूमेंट्स लगाए हैं इसकी भी तो वैलिडिटी चेक करी जाएगी। अगर ये सेटिस्फाई करते हैं आपके प्रॉपर ऑफिसर को, सेटिस्फाई करते हैं या नहीं करते, नॉट सेटिस्फाइड, तो क्या होगा? अगर सेटिस्फाई करते हैं तो 7 डेज के अंदर अंदर, अच्छा इसका दोनों का रिप्लाई क्या आएगा, दोनों का रिप्लाई ही आपको 7 डेज में मिलेगा। हाँ, 7 डेज के अंदर, पहले 3 दिनों में, 3 दिनों में आपको क्लेरिफिकेशन दी है, 3 दिनों के अंदर अंदर फिर आपने उसको दिया, अब 7 दिनों के अंदर अंदर आपके पास रिप्लाई आएगा जो आपने एडिशनल डॉक्यूमेंट्स लगाए हैं वो सेटिस्फाई करते हैं या नहीं करते। अगर सेटिस्फाई करते हैं तो जीएसटी आरईजी 06 के अंदर आपको क्या मिल जाएगा, आपको सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा। अगर नहीं करती सेटिस्फाई तो आपकी एप्लीकेशन हमेशा के लिए रिजेक्ट हो जाएगी, एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी अंडर जीएसटी आरईजी 05 फॉर्म के अंदर। और अगर आपने प्रोवाइड ही नहीं करा तब भी आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी अंडर जीएसटी आरईजी 05 के अंदर। तो ये था हमारा नॉर्मल केस के अंदर नॉर्मल प्रोसीजर क्या था, हमने पहले ये देखा। उसके बाद अब बात यहां पे ये आती है कि स्पेशल केस में क्या होगा, वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो इसके लिए इतना ही था इस वीडियो के लिए, नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे स्पेशल प्रोविजन के बारे में।